পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রয়োজন আরো একটি এয়ার স্ট্রাইকের। জঙ্গি সংগঠনের যতই নাম বদলাক না কেন, এর পেছনে যে পাকিস্তান সরকারের হাত রয়েছে তা স্পষ্ট, এমনই মন্তব্য করলেন দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিস্তা। লেবং এ শহীদ জওয়ান ব্রিজে স্থাপার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, অর্জনে শুধু দার্জিলিং নয় গোটা দেশ গর্বিত। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে দার্জিলিং এর সাংসদ জানান, পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তা পুনরুদ্ধার করাই এখন এনডিএ সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। পাকিস্তান যতবার ভারতের বিরুদ্ধে জঙ্গি আক্রমণ চালাবে তার যোগ্য জবাব দেবে ভারত। শহীদ ব্রিজে স্থাপা দার্জিলিং এর কৃতি সন্তান, তাকে শ্রদ্ধা জানাতে এদিন তিনি দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে আসেন সাংসদ। बहुत बड़ी क्षति है और मैं स्वयं कल ही दिल्ली गया था, वापस उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लौटा हूँ और मेरे उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं हैं। मात्र 27 साल की आयु में देश के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आपके माध्यम से ये जो पाकिस्तान आए दिन भारत को चिढ़ाने का काम करता है, मैं कहना चाहूँगा बाप बाप होता है और हिंदुस्तान बाप था और बाप भी रहेगा। और मुझे लगता है भारत सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और हमारे जवान बॉर्डर में रह करके हमारी देश की रक्षा करते हैं, ये हमारी आवश्यकता है, जिम्मेदारी है। उन हमारे सैनिकों की सुरक्षा हम निश्चित करें और मुझे लगता है इसके लिए एक और एयर स्ट्राइक की आवश्यकता पड़ता मुझे स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन पीओके भारत का था और भारत का रहेगा और कल जिस तरह से कायराना हरकत की उसके भी कनेक्शन, भले ही संगठन में अपना नाम बदल लिया हो, वो पाकिस्तान से है। दूध मांगो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगो हम चीर देंगे।